वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज मैं आपको 30x40 साउथ फेस जो मेन एंट्रेंस है इस घर का प्लान आप देख सकते हैं। यहाँ पर पैसेज एरिया जितना दिया गया ऑफसेट हो पैसेज एरिया घर का मेन डोर मेन एंट्रेंस कहाँ पे दिया हुआ है वो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो को देखिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट द चैनल टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और ऑल द क्रेडिट गोज़ टू द पर्टिकुलर इंजीनियर आर्किटेक्ट हैज कंस्ट्रक्टेड दिस हाउस। फिलहाल के लिए इस घर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि देखिएगा ये मेन एंट्रेंस, यहाँ से आपका ये बेडरूम वो आ रहा है, आपका बेडरूम उस तरफ, वहाँ पर भी एक छोटा सा एंट्रेंस गेट दिया गया और उसके साथ ही इधर भी एक हॉल हो गया, यहाँ पे आपका हॉल। फिर उसके बाद देखिए हॉल सेंटर हो गया, इधर जो आपको और एक छोटा सा बेडरूम विद पूजा रूम, ठीक है यहाँ पे। उधर जो है आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर पे आपका किचन आ रहा है। किचन के साथ वहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, ये एक बेडरूम में जो है अटैच टॉयलेट एंड बाथ। इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट एंड बाथ स्टेयरकेस उस तरफ आ रहा है एंड कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर ऑफ कॉलम्स। जो कॉलम का मेन थिंग जो है ना आपका कॉलम का साइजेस 9x15 इंच, जिसके अंदर 16 mm का 6 रॉड इस्तेमाल किया गया। अंदर का जितना भी दीवार है वो 9 इंच का दीवार लिया गया फुल कंप्लीट एंड अभी जो ब्रिक लाइटेड स्टोन का वर्क चल रहा है इस तरह से। ओके दोस्तों, सो ये था रिगार्डिंग दिस छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट इंफॉर्मेशन। तो इतना सब कंस्ट्रक्ट करने में आपको कितना खर्चा हो सकता है, सो लगभग देखिएगा आपको अराउंड 10 to 12 लाख तो चाहिए। 12 to 18 लाख 20 लाख के अंदर आप बना सकते हैं मिनिमम। एक 30x40 नॉर्मल सिंपल टाइप हाउस कंस्ट्रक्शन करना है तो भी आपको मिनिमम 10 लाख रुपीज़ तो चाहिए आज के ज़माने में, बिकॉज मटेरियल तो महंगा हो चुका है, उसके साथ ही जो है वर्कर का चार्ज भी ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से इतना तो नेसेसरी है। एंड नेक्स्ट कुछ सवाल आता होगा सेपरेट टैंक कहाँ पे लिया गया, देखिएगा वो है आपका सेपरेट टैंक उस तरफ लिया हुआ है, ये सेपरेट टैंक उस तरफ एंड फुल कार पार्किंग के लिए जगह, बट वहाँ पे स्टेप्स आ गए तो थोड़ा सा जगह कवर अप हो जाएगा। एंड उसके साथ ही यहाँ पर देखिएगा ये वेल, और वेल के नीचे वेल और उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना बोल के यहाँ पे प्लिन बीम डाला गया, सो कंप्लीट प्लिन बीम एल शेप में लिए तो और अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ 2 सपोर्टिंग का बीम लिया गया, उसके ऊपर जो है आपका वॉल का सपोर्टिंग। यहाँ पे 4x3 का विंडो, वहाँ पे भी सेम 4x3 का विंडो हॉल के अंदर एंड बड़ा सा ओपनिंग रखा गया। एंड जो भी स्लैब देख रहे हैं स्लैब और कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको मिल जाएगा जगह।